तो देखो, सिकंदर लोदी के समय जो आगरा शहर की स्थापना और राजधानी परिवर्तन, इन दोनों जो पॉइंट हैं इन्हें अच्छी तरीके से सुनना है पहले। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो आगरा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित भी है और फेमस शहर है यूपी का, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की, पहले तो ये याद रखना, ठीक है? सबसे पहले ये बात याद रखनी है, आगरा शहर की स्थापना किसने की, यानी कि किस शासक ने की? सिकंदर लोदी, ठीक है? कब की? 1504, ये भी हमें याद होना चाहिए, समझ रहे हैं? यानी कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये वही आगरा है की बात कर रहे हैं हम, जब ताजमहल है, ठीक है? तो ये क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ याद रखेंगे, सिकंदर लोदी ने 1506 में, यानी कि ऐसा याद रख सकते हैं, एक वर्ष छेक कर 1506 में दिल्ली से हटाकर अपनी राजधानी किसे बनाया? आगरा। ये बेहतर जो चार फैक्ट हैं ये आपके क्लियर होना चाहिए। सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश के सबसे महानतम और योग्यतम शासक थे, ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो याद रखेंगे कि 1504 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की, पहले तो ये याद रखना। उसके बाद 1506 में इन्होंने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। अच्छा, आगरा को राजधानी क्यों बनाया? लगभग ऐसा ही जैसा सवाल ये कभी एग्जाम में पुट होगा, इस अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है? तो ज़रा ध्यान देंगे, सिकंदर लोदी ने राजस्थान के राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सिकंदर लोदी ने राजस्थान के राजपूत शासकों पर नियंत्रण बनाने के लिए तथा व्यापारिक मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। यानी कि अब आप एक तरीके से ये समझ लें कि जो लोदी वंश में अगर कोई सबसे योग्यतम और महानतम शासक हुआ वो सिकंदर लोदी थे, राजधानी परिवर्तन अगर लोदी वंश में हुआ था वो सिकंदर लोदी के समय में हुआ, आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की, 1506 में उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। थोड़ा सा पर लेवल का सवाल यही है जो आपको याद रखना है कि आगरा दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित करने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजपूत शासकों पर नियंत्रण तथा व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना सिकंदर लोदी का राजधानी परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य था, क्लियर? तो ध्यान रखना है, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है और इसे विशेष रूप से याद रखना।